जोहरी के लॉन्च पे आ चुकी हूँ. मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने अपना नया कलेक्शन लॉन्च किया एंड पीपल शुड हैव अ लुक बिकॉज इनके डायमंड्स जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं. आई एम वेयरिंग वन फ्रॉम जोहरी एंड दे गेव मी अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डायमंड एंड अ वेरी गुड प्राइस. तो आई थिंक सारे लोगों को एक बार तो आके यू नो पीपल शुड हैव अ लुक. एंड द डिज़ाइंस मुझे यहाँ की बहुत पसंद आते हैं. जनरली आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन, मुझे ज्वेलरीज बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सम हाउ आई मैनेज टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम देम. मैं ज्वेलरी में बहुत चूज हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन. आई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, बट मैं आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी बिकॉज मैं पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी. यू नो आई वुड रादर वेयर समथिंग फंकी, बट इफ़ यू आस्क मी टू वेयर समथिंग गोल्ड या फिर मैं नहीं पहनती, तो उस मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ एंड आई थिंक मेरी वो सारी चॉइसेस जो हैं यहाँ आके पूरी होती है. तो मुझे जब कुछ ज्वेलरी खरीदनी होती है, देर आर टाइम्स वेन आई जस्ट टेल वर्षा दैट यू नो सेलेक्ट समथिंग फॉर मी एंड शी डज इट एंड आई लाइक इट. तो आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल. आप जो भी कैरी कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फैशन फॉर मी. देर आर पीपल हु cannot even carry a sari, you know, and there are people who can carry miniskirts so gracefully ki unhe dekh ke aapko cheap nahi lagta. So I think whatever you can carry, that's what fashion is. Mumbai Tigers ka brooch bhi launch hua hai. Sorry? Mumbai Tigers ka brooch bhi launch hua hai. Ji ji. Mumbai Tigers, of course, maine is team ka anthem gaya hai, so I'm really excited and I'm looking forward to it. Firstly, congratulations to Chori by Amaze Jewels, and I'm really proud that Mumbai Tigers is associated with these guys. काफी करता हूँ. I mean, मैं clearly तो नहीं करता, लेकिन घर वाले करते हैं, mom, girlfriend सब करते हैं. तो soon I'll buy something from here itself. सॉरी क्या? ओके. एक्साइटेड एज यूजुअल. बॉम्बे मैं हूँ लोकल मुंबई बॉय, तो बॉम्बे के साथ कुछ भी रिलेटेड हो तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. तो यार लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू.
ओके कम 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 एक मिनट इनके साथ मुझे अच्छी फोटो लेना है उसके बाद नथिंग जौहरी एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है ज्वेलरी की. इनफैक्ट मेरी वेडिंग की जो भी ज्वेलरी मेरे वाइफ ने ख़रीदी थी वो जौहरी से ही ख़रीदी थी. एंड आई एम एसोसिएटेड विद देम काफ़ी टाइम से ना. एंड आई कैन जस्ट से कि द क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी इज़ रियली गुड एंड इवन द सर्विस दैट दे प्रोवाइड यू इज़ वेरी गुड. मैं आई एम नॉट अ वेरी ज्वेलरी पर्सन बट है मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी है बट मैं इतनी पहनता नहीं हूँ. मैं शूटिंग करता रहता हूँ तो शूटिंग में आप क्या ज्वेलरी पहने. मैं बस ये दो रिंग पहनता हूँ जो मेरी माँ ने कहा है कभी निकालना मत तो मैं बस वो पहनता हूँ ऑफकोर्स. बट फैमिली में मॉम के लिए मेरी मासियाँ हैं या बुआएँ हैं सिस्टर्स हैं बीवी है तो उनके लिए कभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. आई लाइक्ड वन सेट वन डायमंड सेट देखते हैं वेदर आई हैव टू ऑब्वियसली सी इफ नेहा लाइक्स इट. इफ शी लाइक्स इट देन वी विल पिक इट अप. बहुत ज़्यादा शी आई थिंक शी इज़ वेरी चूजी अबाउट एवरी थिंग. उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और वो बहुत सोचती है कि ये यू नो मतलब कहाँ कहाँ मैं पहन सकती हूँ कितना इसका वो है मतलब हर चीज़ सोचेगी. डायमंड की क्वालिटी क्या है एंड प्राइस क्या है मतलब एवरीथिंग यू नो वुमेन आर ना दे लाइक टू गो इनटू डिटेल अबाउट एवरीथिंग. मैं इतना मैं पूछता हूँ क्या है पसंद है पहले वो बताओ ले लो. एंड शी इज़ लाइक नहीं नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो चाहिए तुम ले लो. मैं थोड़ा बहुत वो मुझे पूछती कि ये कैसा है वो कैसा है तो जैसे सब बताते हैं मैं भी बताता हूँ अपना ओपिनियन. आई थिंक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. बहुत ही अच्छा रन रहा नागिन का अभी भी टॉप पे चल रहा है. एंड दिस इज़ आई थिंक पहली बार इंडियन टेलीविजन पे ऐसा हो रहा होगा कि एक शो इतने हाई पर बंद होगा. नंबर वन शो टीवी का एक हाई पर बंद होगा बिकॉज एक फाइनाइट सीरीज़ है. एंड हमेशा से हमको बता था कि नागिन ख़त्म होने वाला है. इनफैक्ट पहले ख़त्म होने वाला था थोड़ा एक्सटेंशन होके अभी ख़त्म हो रहा है. लेकिन खींचते हैं और फिर जब तक वो शो ऑडियंस के नज़रों में गिर नहीं जाता उसके बाद बंद करते हैं. बट टच वुड आई एम वेरी हैप्पी कि नागिन इज़ एंडिंग ऑन अ हाई नोट. एंड अगर सीज़न सब पूछते रहते हैं कि सीज़न टू आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता बट एक इंटरेस्ट भी जगता है अगर दूसरा सीज़न आएगा कि क्या होगी स्टोरी. एंड आई एम श्योर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ऑडियंस टू द नेक्स्ट सीज़न इफ इट्स हैपनिंग. वेट एंड वॉच कुछ है ज़रूर है. एंड बहुत जल्दी आपको आप सबको पता चल जाएगा वो क्या है. इसके बाद में क्या ब्रेक लेने वाले हैं किसी के मतलब सीधे नागिन के खत्म होने के बाद. नहीं नहीं देयर इज नो आई थिंक एक्टर की लाइफ में कभी ब्रेक वैसे आता नहीं है. अगर नहीं आया क्यों तो मतलब अगर आता है तो वेरी अनफॉर्चुनेट है. बट मैं ब्रेक नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू वर्क रियली हार्ड मेक द मोस्ट ऑफ इट. और मैं जैसे ही ख़त्म हो जाए मैं एक दो चीज़ों की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ तो मैं आई जस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दैट. अभी दो बार से आपको सिर्फ कलर्स के हमने देखा है मेरी अशकी में डाली तो अभी कलर्स से हटकर आप किसी और चैनल पे काम करेंगे या कलर्स अभी एक फैमिली बन चुकी है तो देखते हैं क्या होता है आगे. बट कलर्स को अभी फ़िलहाल छोड़ना थोड़ा मुश्किल है. आई डोंट नो नो कमेंट्स. थैंक यू
लॉन्च के बारे में ये कहना चाहेंगे कि वैसे भी ये जो जीजू हैं, हम इनको जीजू बुलाते हैं, तो इनका लॉन्च है और हम इनकी टीम से भी खेल रहे हैं, मुंबई टाइगर्स. सो इज़ अ वंडरफुल पर्सन. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनकी सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट नोन देम एंड दे आर ग्रेट पीपल एंड आई जस्ट लव दीज पीपल. लाइक अब मेरे भाइयों जैसे बन गए हैं. ज्वेलरी हम नहीं पसंद करते, मगर हमारे मॉम डैड मॉम वगैरह या गर्लफ्रेंड्स हो गई सो ये ऑब्वियसली बहुत पसंद करती हैं ज्वेलरीज. सो कुछ भी होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो उनको मीन अगर ज्वेलरी दे दी तो सब खुश हैं, और कुछ नहीं चाहिए उनको सिवाय ज्वेलरी के. सो ज्वेलरी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आर लाइफ, एवरीबडी लाइफ, आपकी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में, सबको ज्वेलरी में तो आकर सबको ही हंसते हैं. हाँ जी, हाँ जी, मेरी दो फिल्म आने वाली हैं. अभी मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी आने वाली है, क्योंकि अभी तक डेट्स नहीं आई हैं. एक है एक लव डे है और एक है अपना दिल तो आवारा. सो मेरे को लगता है अपना दिल तो आवारा पहले आने वाली है, बिकॉज इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन 28th मई, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम ऑफ माई डायरेक्टर, उनकी फैमिली में किसी की लाइक पास्ट अवे और समथिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स लिटिल डिलेड. सो बहुत जल्दी आने वाली हैं ये दो फिल्म्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.